नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक शेर के साथ। दिल की बात बता देती है आंखें, धड़कनों को जगा देती है आंखें, दिल पे चलता नहीं जादू चेहरे का कभी, दिल को तो दीवाना बना देती है आंखें। तो मैं लव ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आप देख सकते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग में हम आए हुए हैं और यहाँ बर्फ आप चारों तरफ देख रहे हैं। और अब हम अपने सभी कलीग्स को दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर मौजूद है मिस्टर ऋतिक रोशन, जो कि अभी इस बर्फ का आनंद लेते हुए। हमारे ओमपाल जी, देख सकते हैं आप पूरी तरह से टाइट कपड़ों से, और ये जो बर्फ है ये उन्हें रोमांच में भर दे रही है। और यहाँ पर आंटी जी बहुत ही मुस्कुरा रही हैं, और साथ में अभी भी एक बढ़िया पोज लेकर इन्होंने फोटो खिंचवाई थी दूसरी आंटी हमारी, और इन्होंने भी जो है बर्फ के खूब आनंद लिए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ जो बर्फ है चारों तरफ पहाड़ के ऊपर, इतना सुंदर नज़ारा आप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आप सभी को। और सबके सब यहाँ बहुत खुश है, पूरी फैमिली बहुत खुश है, और ये खुशी देखकर वो भगवान भी खुश है, सबसे अच्छी बात। और ये देखिए, इससे बढ़िया नज़ारा आपको नहीं मिल सकता। ये पूनम जी पूरी तरीके से एक दूसरे को बर्फ से ढकते हुए, और सागर भी उसमें मदद करते हुए। रणवीर जी, ये माउंटेन ड्यू है आपके पास में, इसका क्या राज है बर्फ में लाने का? बच्चे खुश हो जाएंगे, देखिए बच्चे खुश हो जाएंगे माउंटेन ड्यू से। ओह माय गॉड, दिल्ली में माउंटेन ड्यू में ये नहीं लाया जाता, और यहाँ पर लाया गया है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर चंद्रहास जी हमारे फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिसल भी सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है चढ़ जाऊँगा। और यहाँ पर मिस्टर अक्षय एंड चंद्रहास सर एक दूसरे का साथ देते हुए बर्फ में मज़े लूटते हुए। और स्वाति, दीप्ति यहाँ पर, सोनू भाई और चंद्रहास जी फिर से आनंद लेते हुए। बर्फ जो है वो इतनी ठंडी है कि हाथ में लेने के बाद इनके हाथ तक जम जाते हैं। आप सबसे पहले मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा, इससे पहले मेरे ऊपर बर्फ फेंका जा रहा है, मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा सोनू भाई का। सोनू भाई मैं गिर पड़ा, एक मिनट रुक जाओ। सोनू भाई एक बात बताओ, इस बर्फ में खेलने में आपको कितना आनंद आया है? बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बर्फ मत फेंको, ज्यादा मजा नहीं आएगा उससे। और देख सकते हैं आप, दूसरा इंटरव्यू हम लेंगे आंटी जी का इंटरव्यू जरूरी है। और बिना कुछ किए हुए मैं नीचे आ गया, ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आंटी जी कभी आप ऐसे फिसली हैं? आज फिसल कर देखिए, बहुत आनंद आएगा सही में। आप बिल्कुल वीडियो तैयार है आपके लिए, और आप देख कर बाद में बहुत खुश हो जाएंगे। सीधा ऊपर से चालू होइए और नीचे तक आइए। आज का दिन आपको ताउम्र याद रहेगा, जब भी आज इस दिन को याद करेंगे तो बस ये क्षण याद आएंगे, ये बर्फ याद आएगी, ये सोनमर्ग याद आएगा आपको। सबके सब ऊपर चढ़ते हुए आप देख सकते हैं, रोमांस से सभी भरे हुए हैं, और अभी वो लोग ऊपर से नीचे आने वाले हैं। बैठ के फिसलना है सिर्फ, कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए आ जाइए, फिसलिए, सिर्फ फिसलना है, लेकिन क्या फिसल पा रहे हैं? मैं तो फिसल गया था। और देखिए, इससे ज्यादा आनंद वाला क्षण आप नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर खींच खींच कर भी लाया जा रहा है, और यहाँ पर अब चंद्रहास जी, और ये देखिए आंटी जी भी चालू हो चुके हैं, चंद्रहास जी भी चालू हो चुके हैं, दूसरी स्केटिंग चालू। इससे ज्यादा आप आनंद नहीं देख सकते हैं, और ये आनंद जब आप लोग देखेंगे अपने टीवी सेट्स पर, अपने कंप्यूटर पर, तो आप लोग आनंदित हो जाएंगे। और अब मैं कैमरा सोनू भाई को दूंगा कि वो भी कुछ कहे। कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, प्लीज। ऐसे करो, सब फिर आएगा मजा। हाँ भेजा, कुछ भी नहीं भेज सकता, भेज रहा बता। मेरी कमर छिल गई। हाँ छिल गई, आराम से करता ना पागल। जय हिंद बोल।